ठाकुर ने चीन में आयोजित मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2017 में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे जागरूकता भी मिली है और कड़ा संदेश भी दिया गया है। कल्पना ने इस मुकाबले में जीत के लिए अनोखा तरीका अपनाया। फैशन और ग्लैमर की दुनिया में हर कोई अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए महंगे से महंगे कपड़े पहनता है, लेकिन मनाली की कल्पना ठाकुर ने चीन में आयोजित मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2017 में कुछ ऐसा किया कि सब हैरान रह गए। रैंप पर कल्पना ने वेस्ट मटेरियल से बनी ड्रेस पहनी है और फोटोजेनिक खिताब अपने नाम किया। सर, ये सफर मेरा बहुत ही अच्छा रहा। शुरुआत मैंने मनाली से की थी, मिसेज मनाली किया, फिर मिसेज हिमाचल किया, उसके बाद नेशनल प्लेटफॉर्म में गई, फिर इंटरनेशनल में गई। जर्नी मेरी बहुत ही खूबसूरत रही। जिस मकसद से मैं गई थी वहाँ पर जो मैसेज देना था, मैं काफी कामयाब रही वहाँ पर देने के लिए। मुझे एशिया इंटरनेशनल का खिताब मिला फोटोजेनिक का। प्रतियोगिता में कल्पना ने कानों में जो झुमके पहने हुए हैं वो प्लास्टिक की बोतल से बने थे। इतना ही नहीं, कल्पना के हाथों के कंगन भी प्लास्टिक की बोतल के थे। कल्पना ठाकुर एक गृहिणी है, लेकिन पर्यावरण को बचाने को लेकर उनकी सोच तारीफ के लायक है। मैंने ग्लैमर्स की दुनिया है, वहाँ पर हर कोई सुंदर बनना चाहता है, दिखना चाहता है, महंगे से महंगे कपड़ा पहनना चाहता है, लेकिन मैंने वहाँ पर प्लास्टिक की बोतल से बनी हुई कॉस्ट्यूम्स पहने थे और जो ब्रेसलेट है भी मैंने प्लास्टिक की बोतल के बनाए हुए थे और जो इयर रिंग्स हैं ये भी प्लास्टिक के बोतल्स के बनाए थे। तो मेन मकसद यही था मेरा कि फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिए और रिसाइकल रीयूज करिए एनवायरनमेंट सेव करने के लिए। ये सब चीजें ऐसी हैं कि हमें परिवार की तरफ से हम इसको सब पॉजिटिव लेते हैं और हम पॉजिटिव वे पे उनको सपोर्ट करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ घर का ही नहीं, इवन परिवार का ही नहीं कहूंगा, बल्कि पूरे सोसाइटी समाज के लिए भी एक मैसेज जाता है, चाहे वो एनवायरनमेंट से लेकर हो, चाहे अपना एक हुनर है अपने जिसको आप आगे ला सकते हैं, तो उसमें किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। दरअसल कूड़े के ढेर को खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम में बदलने का हुनर जानती है कल्पना ठाकुर। वर्ष 2016 में सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने ही कल्पना के इस हुनर को दुनिया के सामने लाया था। कल्पना भी मानती है कि जी मीडिया की वजह से आज उन्हें एक नई पहचान मिली है। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली।